नमस्कार, मेरा नाम रवि कांच और अशरफ देख रहे हैं बोलता खगड़िया। इन दिनों लगातार जिस तरीके से अमित शाह बिहार की राजनीति में लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, तमाम वो बीजेपी जो है नीतीश और तेजस्वी सरकार को घेरने में लगी हुई है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर जो है अब संभल नहीं रहा है नीतीश कुमार से, इन तमाम मसलों पर हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए फायर ब्रिगेड नेता राम वृक्ष सादा जी हैं, जो कि अलोली से राजद विधायक हैं। कह रहे हैं कि बीजेपी अमित शाह पिछले दिनों नवादा में आकर क्षमा करके गया कि अब बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की समस्याएं हैं, बिहार जल रहा है, कुछ कर नहीं रहे आप लोग। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं और माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी जो नवादा में और सासाराम में जो बात के उन्होंने रखा कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर ख़त्म है, बिहार जल रहा है। हम अमित शाह जी से पूछना चाहते हैं, जिस समय 15 साल, लगभग 15 साल से ज़्यादा जदयू के साथ गठबंधन करके बीजेपी सरकार में रही, उस समय बिहार ठीक था और 6 महीना में बिहार जलने लगा जब ये बीजेपी अलग हो गया जदयू से। तो अमित शाह कहीं न कहीं घबरा गए हैं माननीय नेता तेजस्वी यादव जी के लोकप्रियता को देखकर, और बिहार से इस बार बीजेपी का सफाया है, हम लोग लोकसभा सभी सीट जीतने के लिए जा रहे हैं, खाता नहीं खुलेगा बीजेपी का। आप कह रहे हैं कि बीजेपी की खाता खुलने नहीं देंगे, अमित शाह कह रहे हैं कि 40 में 40 लोकसभा क्षेत्र में कमल खिलेगा, कौन सही कौन? वह जुमला है, वह तो कोई 15 लाख रुपया बोला कि खाता में सबको भेज देंगे चुनाव से पहले, और जब लोगों ने मांग किया कि 15 लाख रुपया आपने कहा तो कहा जुमला है, इस चीज को भी जुमला समझिए, या तो जुमला है। अमित शाह जी जो भी बोलते हैं वह जुमला है। क्या समीकरण क्या है आप लोगों के पास 40 में 40 लोकसभा सीट जीतने का? हम लोगों के पास, जो हम लोगों के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी और हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, बिहार में महागठबंधन के पास लगभग 85% से ऊपर वोट है, और इस चीज को देखकर बीजेपी घबरा गई है। आज जो दंगा के बात कर रहा है बीजेपी वाला, कौन दंगा करवाया है? इतना दिन से तो सब दिन हम लोगों के यहाँ रामनवमी होता था, बताइए कब नहीं रामनवमी होता था? जब यह लोग सत्ता में था जदयू के साथ, उस समय बिहार में दंगा नहीं होता था, और जब हम लोग सत्ता में आ गए और ये लोग जब सत्ता से बाहर हो गया तो बिहार में दंगा होने लगा, कौन करवाता है? वैसे लोग को माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने DGP साहब को निर्देश दिया है कि चिन्हित करके वैसे लोग को बेनकाब किया जाएगा। आज हम आपको फिर दोहराना चाहते हैं, मनीष कश्यप वाला बात किसने कराया था बिहार में? क्या बिहारी के साथ कुछ हुआ था मद्रास में? नहीं हुआ था। तो वह कुछ नहीं हुआ था, आज जो कानून के तहत उसको लपेटा गया है, जेल भेजा गया है, तो उसी ढंग से यह भी है, यह भी बीजेपी के लोग ही दंगा कराना चाहते थे बिहार में। अमित शाह तो ये भी कह रहे हैं कि जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है वहां पे कहां हो रहा है दंगा, दंगाइयों को उल्टा टांगने की बात कर रहे हैं कि अगर बिहार में सरकार बनती है जो दंगाई है उन्हें उल्टा टांग के लटकाया जाएगा। सबसे पहले तो वह है इस देश के माननीय गृह मंत्री हैं, और यह उल्टा टांगने वाला बात जो कहा, जो दंगाइयाँ हैं उसको उल्टा टांगा जाएगा, इस चीज़ को, इनके बात को हम विरोध करते हैं। एक माननीय जो इस देश का माननीय गृह मंत्री जी हैं, और उसका भाषा जब इस ढंग से निकलता है कि टांग के उल्टा दिया जाएगा, छाल खींच लिया जाएगा, उसको जो है से मारा पीटा जाएगा, यह एक गृह मिनिस्टर के मुंह से ऐसा शब्द निकलना नहीं चाहिए। यह देश बीजेपी एक पोस्टर वायरल की है, उस पोस्टर में यह दर्शाया गया है कि मध्य प्रदेश में दंगा हुआ, जो उस घटना में जिन लोगों की भूमिका थी उनके घर पे बुलडोजर चल रहा है, लेकिन बिहार में 4 दिनों तक बिहार चल रहा है, सरकार कुछ कार्रवाई कर ही नहीं रही है। खुद अमित शाह जी बोलते हैं कि जिस राज्य में हमारा सरकार है उस राज्य में दंगा नहीं हो रहा है, और जिस राज्य में हमारा सरकार नहीं है तो उस राज्य में दंगा हो रहा है। तो स्पष्ट है कि बीजेपी के लोग और अमित शाह जी दंगा करवाते हैं, वह खुद कबूल रहे हैं कि जिस राज्य में हमारा सरकार नहीं है वहां दंगा होता है, तो कराने वाले वही हैं, वो कबूल रहे हैं इस बात को। अलोली से राजद विधायक राम वृक्ष सदा ने बहुत बड़ी गंभीर आरोप बीजेपी पर इन्होंने मढ़ा है, जिस तरीके से लगातार केंद्र की नेतृत्व की अगर हम बात करें अमित शाह से लेकर तमाम वो बीजेपी के जो भी कद्दावर हैं वो लगातार नीतीश तेजस्वी यादव पर हमलावर हैं, तो वहीं तेजस्वी और नीतीश की तरफ से भी लगातार उन तमाम सवालात के जवाब भी
दिए जा रहे हैं, वही इस कड़ी में हमारे साथ बातचीत कर रहे थे अलोली से राजद विधायक रामवृक्ष सदाजी। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।